हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 9। इन गिवन फिगर बोथ रिस्क एंड क्ल्यू आर पैरेललोग्राम्स। अब रिस्क RISK एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर देखो दोस्तों, मैं इसको आपको अलग अलग करके दिखाऊं तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। प्रकार की ये शेप है, इसका नाम है रिस्क RISK। मीन्स दिस एंगल विल इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपको पैरेललोग्राम की खासियत पता है। और दूसरी क्या बात आपने यहाँ ध्यान रखनी, यहाँ पर क्या यूज होना है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, ये 120 का दिया हुआ है हमारे को के, ये एस, इन दोनों का सम कितना होगा 180। आपको सबसे पहले प्राइमरी बात ये याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंगल 1 लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ क्या ध्यान रखना है, देखिए मैं नीचे यहाँ पर मेंशन करता हूँ, एंगल 1 प्लस 120 इक्वल टू 180। कारण क्या है इसका, एडजेसेंट फ्रेंड्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सम 180 होता है तो हम शुरू से यूज कर रहे हैं, एक तो ये बात होगी। दूसरा क्या याद रखना, अब मैं यहाँ पे देखिए, अगर दूसरी आपको रेक्टेंगल बना के समझाना चाहूँ तो वो इस प्रकार का बनेगा। और यहाँ पे क्या क्लू यूज हो जाएगा हमारे पास, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना, तो एंगल 2 कितने का आ जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री। कारण क्या है इसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हिंदी में लिखना रह गया, ऊपर वाले में भी लिख देता हूँ कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं। और यहाँ क्या लिखना था, समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, आसन्न कोण का। अब आपको ये ध्यान रहेगा। अब आप देखिए, ये ट्रायंगल क्या बन गई, यहाँ पर ओ है। ट्रायंगल ओ एस ई में क्या होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एस ई, क्या चीज, एंगल एक्स प्लस एंगल वन प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अभी लेके चलते हैं आगे, हम क्या लिख लेते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का। ठीक है, अब एंगल एक्स देखिए, एंगल एक्स और ये हमने फाइंड आउट करना है, एंगल वन और टू वो हमें यहां पे देखिए 2 दिया हुआ है, उसको हम लिखते हैं पहले। देखिए, एंगल एक्स प्लस एंगल 2 जो है, एंगल 1 ऐसे लिख लेते हैं, और एंगल 2 कितने डिग्री का है, 70 का, इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमने यहाँ देखिए क्या करना है, अगर हम यहाँ से एंगल 1 फाइंड आउट करना चाहें इस इक्वेशन से, पहले एंगल 1 फाइंड आउट कर, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंगल एक्स भी निकाल देना चाहिए था, ज्यादा बेटर रहता, आपने इसको स्टार्टिंग में निकालना है वो अच्छा रहेगा। एक्स इज इक्वल टू 130 प्लस 130 इज इक्वल टू 180, और देन एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इट विल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज करी हमने, ये कौन कौन सी, दोबारा बता देता हूँ कि अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल और एडजेसेंट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी पैरेललोग्राम। और यहाँ पर हमने क्या यूज करा कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, सॉरी सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 150। यहाँ पर ये हमारा 9th क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाता। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सृष्टि कर चेता मेरे भोले।